हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदमी चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक लर्नर जिनका नाम है स्मृति गुप्ता। ठीक, स्मृति गुप्ता जी ने अभी अभी जो है बार्क का इंटर। तो स्मृति जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं मिर्ज़ापुर की हूँ और मेरी स्कूलिंग एंड बैचलर डिग्री फिर मिर्ज़ापुर से ही हुई है। और मास्टर्स के लिए मैं इलाहाबाद गई थी। एंड अच्छा, तो मास्टर्स के लिए आप इलाहाबाद गए थे बाहर। इलाहाबाद कैसा लगा? इलाहाबाद भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे भी और घूमने को भी बहुत जगह है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? ऐसे तो मेरी फैमिली में अभी मेरे पापा रहते हैं और मेरी दीदी रहती हैं। और यस, इतने ही है। अच्छा, पापा और दीदी रहते हैं आपके। तो भाई बहनों में अगर बोले तो आपके पास आपकी दीदी है जी, ना? जी। तो कैसे इंटरेक्शन है आपके, जैसे बचपन में लड़ाई वड़ाई होती थी, मारपीट करते थे आप? लाइक मदर फॉर मी। पिटते थे क्या? जैसे मदर होती है सेम एज दीदी है, मतलब मेरे लिए वो मतलब गुस्सा भी होंगी। अच्छी वाली दीदी है। हाँ, मतलब फन लविंग भी है लेकिन साथ ही साथ स्ट्रिक्ट भी है, मतलब मेरे करियर को लेकर, मेरे एजुकेशन को लेकर। मतलब जब बात मेरे एकेडमिक और एजुकेशन की आती है तो फिर उनको कुछ और नहीं सूझेगा कि कुछ भी चिलिंग या नथिंग। और तो ऐसा नहीं है कि फन लविंग नहीं, ऐसे बहुत सपोर्टिव है, अच्छी है। मतलब अगर मैं कहूँ तो सिस्टर तो है, बस उसके अलावा वो मेरी मदर, माई टीचर, माई फ्रेंड, सब कुछ है। मतलब फर्स्ट अगर मैं कहूँ तो वो सब कुछ वही है, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट टीचर। और बहुत कुछ है, मतलब सिखाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। और ऑलवेज वो मुझे मतलब कि इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश पूरी रहती है कि हम नहीं रहेंगे तो फिर यू हैव टू एग्जिस्ट अलोन। तो जितने भी लर्नर हैं उनको इस बात से सीखना चाहिए कि आपके जो बड़े भाई बहन हो या बहन हो, उनसे सिर्फ मार कुटाई नहीं करनी है, उनके साथ ऐसा इस तरह का भी जो है रिलेशन बना के रखना है ताकि वो आपके सपोर्ट सिस्टम बने, है ना? और आगे जानते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह कैसे रहे, है ना? जी, MSc किया आपने, BSc किया, इलाहाबाद से किया, कहाँ कैसे फ्रेंड्स रहे, कितना क्या होता है, मजा आती है नहीं आती है? ऐसे मतलब हाय हेलो वाले फ्रेंड्स तो काफी थे, मतलब ऐसे स्कूल में भी थे, फिर स्कूल खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया फ्रेंडशिप। फिर भी बैचलर में भी थे, मतलब लाइक दैट कि अगर आप जैसे मेरा ये होता था स्कूलिंग में भी या टीचर्स, मतलब जब मैं कॉलेज में थी मैं प्रोफेसर्स या लेक्चरर या टीचर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी रेदर देन मैं फ्रेंड्स से करूँ। मेरा मोस्ट ऑफ टाइम टीचर्स से मतलब कोई क्वेश्चन पुट ऑन करने में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वहाँ के टीचर्स मुझे जानते थे। माई इवन अगर मैं मतलब आई एम नॉट एडमायरिंग एंड मैं अपने खुद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट एक टाइम ऐसा था मेरे BSc में कि मेरे जूलॉजी के लेक्चरर मेरा वेट करते थे मेरी क्लास स्टार्ट करने के पहले। हाँ, ये आ जाए तो क्लास शुरू करने के लिए अटेंडेंस नहीं लेते थे। कि वो पूछते, पूरी क्लास खड़ी होती थी बट वो पूछते थे कि स्मृति गुप्ता आई हैं, उनका स्टेटमेंट होता था। और जब मैं आती थी तो वो अटेंडेंस स्टार्ट करते थे, वो क्लासेस स्टार्ट करते थे। तो मतलब क्योंकि इस तरीके से जो बच्चे थे ना, मतलब उनका ये था कि प्रैक्टिकल फाइल साइन हो जाएगी ना, तो स्मृति को बोल दो ऐसा, लाइक मतलब काम कराना चाहिए तो स्मृति को बोल दो, नो मतलब वैसा। मतलब फ्रेंड तो काफी मतलब थे, फिर वो खत्म हुआ सेशन तो फ्रेंड भी मतलब उतने नहीं रह गए, बट ऐसे मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड लाइक, तो अगर मैं स्कूलिंग से मास्टर्स तक की बात करती हूँ, नॉट उसके बाद की नहीं, तो मेरे बस दो ही फ्रेंड हैं, एक स्कूल टाइम से और एक अभी मास्टर्स में बनी है। कैन आई मेंशन हर नेम? तो एक मेरी फ्रेंड है सृष्टि जो मेरे स्कूल से थी और मेरे मास्टर्स में फ्रेंड बनी है तृप्ति। वो मतलब वो लोग ऑलवेज स्टैंड नेक्स्ट टू मी कि जो भी है मतलब मुझे संभालने के लिए रेडी रहते थे। एंड देन आफ्टर जब मैंने गेट के सब्सक्रिप्शन लिए सर के, तो आई ज्वाइन ई लर्न ग्रुप, वहाँ मेरे अबाउट 4 to 5 फ्रेंड बन गए और वो भी बहुत अच्छे हैं। इवन मेरे इंटरव्यू में मैं जब भी बाहर जाती थी, मतलब मैं चंडीगढ़ गई थी, हिमाचल मतलब गई थी, एंड देन मैं मुंबई गई, मैं भोपाल गई, तो कोई ना कोई फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप इलर्नम जो मैं मेंशन कर रही हूँ वहाँ से मेरे नेक्स्ट में वो फ्रेंड खड़े होते थे कि तुम बस आ जाओ, इंटरव्यू दो और सब कुछ हम देख लेंगे, मेरे स्टे का क्या है मेरा, मतलब मुझे कुछ सोचना नहीं होता था कि मैं पहुंचूंगी कैसे इंस्टीट्यूट।
वो एक न्यू प्लेस में थे, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि बहुत बहुत न्यू लोकेलिटी में मैं आई हूँ. वो ऑलवेज देयर है ना. मैं उनका नेम भी मेंशन अगर कर पाऊंगी तो एक प्रशांत है, सोनल है और नितिका है, ये सारे सर के ग्रुप के हैं. और वो लोग बहुत ही मतलब, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मुंबई गई तो मुझे लिए मुंबई लाइक अ फियर कि हाउ आई टैकल ऑल द सिचुएशन एंड ऑल द रशेस. बट वो मेरे को हर एक मोमेंट पे, मतलब तुम्हें कहाँ से ट्रेन लेनी है, लोकल कहाँ से लेनी है, बस कहाँ से लेनी है, वो कैसे पहुँचना है. इवन मैं उसके फ्लैट पे रुकी थी तो या तो मेरे फ्रेंड इस ग्रुप में बने. मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उन लोगों से जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो उसके पहले तो बस मैं केवल ग्रुप में और कॉन्टैक्ट पे ही बातें करती थी और कुछ नहीं. तो ऐसा है कि जो ग्रुप के दोस्त हैं तो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है कि हाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, ये वो. इस तरह से अगर आप अपनी बॉन्डिंग डेवलप करोगे तो इस तरह से काम भी आते हैं. तो मैं एक बार और, बात चल रही है फ्रेंडशिप की, तो एक बात और पूछूंगी कि आप फ्रेंडशिप को कैसे डिफाइन करते हो कि क्या फ्रेंडशिप है, क्या देख के हमें फ्रेंड चुनने चाहिए हेलो हाय बाय बाय वाले, और क्या देख के वो चुनना चाहिए कि ये मेरे बेस्ट है, ये स्टेबल है. मैम ऐसा कुछ फास्ट ऑफ रूल तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ कोई भी रिलेशन हो तो गिव एंड टेक बहुत चाहिए. आप किसी से एक तरफ से बस लोगे 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 और फिर बदले में आप कुछ नहीं उसको हेल्प करोगे तो वो नहीं चलेगा. वो फ्रेंडशिप क्या, वो अपने पेरेंट्स से हो चाहे अपने सिस्टर से ही भी हो. दो मैं वो भी मैंने तो इस वजह से मैं जिनके भी नाम नहीं मेंशन करूँ, जब भी उनको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी, अब मैं तो उनके अपने घर पे नहीं बुलाई हूँ कभी, लेकिन हाँ कि नोट्स चाहिए किसी चीज की या कोई चीज उनको पढ़ाना है. इवन गेट के टाइम मेरे सोना को आई थिंक एवरी डे मैं बना पढ़ाती थी उसको एवरी डे, मतलब वो मुझे बहुत उसके डाउट्स क्लियर करना होता था तो मैं मुझे ही वो भेजती थी सारे डाउट मैंने क्लियर करो. तो वहां पे ये है कि अगर आप दोनों तरफ से चीजें मतलब कर रहे हो, एफर्ट पुट कर रहे हो, तो वो अच्छी बन जाती है, सेल्फ बन जाती है. ऐसा कुछ मतलब कोई और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कि कुछ कोई चीज है कोई थिंग कि आपको रखना पड़ेगा, नहीं. बट हाँ गिव एंड टेक दोनों चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस आप ले लो हेल्प और बदले में जब वो आपको कुछ बोले कि मैं पीपीटी बना दो, आप बोलो नहीं खाली नहीं है, तो तब तो नहीं होगा, फिर वो नहीं करेगा. तो आपको भी रहना पड़ेगा उसके उसके अप्स एंड डाउन्स में जैसे वो आपके अप्स एंड डाउन्स में था. घूमना पसंद है आपको दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, मतलब कभी भी कहाँ अभी कहाँ घूम, अगर पसंद है तो कहाँ घूमना प्रेफर करोगे आप ये? मुझे हिल स्टेशन ज्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि सुकून अच्छा, रहता है वहां पे, हिल शांति. पर्सन हो नॉट बीच पर्सन. हाँ मेरे को मतलब मैं बहुत थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की हूँ, मतलब कह सकती हैं, मतलब मेरे को भीड़ भाड़ रश है और ये सब चकाचौंध बाकी क्लब है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. मेरे को हिल स्टेशन बहुत पसंद है. और फैमिली के साथ जाएंगे तो और अच्छे, मेरी दीदी के साथ मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसके साथ मैं बहुत चीज शेयर कर लेती हूँ. लेकिन हाँ अब जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बाहर के गई तो फर्स्ट टाइम मैं फ्रेंड से मिली और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो अब थोड़े थोड़े मेरे अंदर है कि मैंने कभी ये पहले नहीं किया था. पहले तो बस फैमिली के साथ ही बाहर जाते थे, लेकिन अब लगता है कि हाँ कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप जा सकते हो. और अगर जाना हो तो मैं हिमाचल ही जाऊंगी, मनाली कुल्लू मेरा फेवरेट प्लेसेस होते हैं. तो मैंने मे भी मैं कभी भी होंगी तो मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, जो भी अभी मेरे बने हुए हैं बहुत अच्छे, इनफैक्ट टेलीग्राम के भी फ्रेंड हैं वो सारे के सारे. तो अगर मैं बोलूं कि आपको, आप जब पढ़ाई कर रहे थे है ना, पढ़ाई करते थे, तो आप कितना पसंद करते थे कि आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कितना पसंद करते थे उस कि टाइम पे दोस्त उतने थे नहीं कि जो आपको आके ऑफर करे कि चलो घूम के आते हैं, मेरे तो नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं मुझे याद है कि मतलब एयू में जब मैं थी, मैं सच में अगर मैं उनको ब्लेम नहीं करी, मैं खुद में बहुत अनसोशल टाइप की हूँ. मेरे नेबर्स बोलते हैं मेरी मम्मी को कि आपकी मतलब ये बात नहीं करती, मैं नहीं करती मतलब मैं नहीं हूँ, तो मैं ही नहीं एफर्ट पुट करती जनरली. अब मैं चाहती हूँ सामने से आए लोग. अगर आप सामने से इंट्रोवर्ट टाइप के आओगे, हो. हाँ आप सामने से आओगे तो मैं अपना दूंगी, आपको जो हेल्प चाहिए वो सारा करूंगी, लेकिन खुद मैं जाके अप्रोच नहीं नहीं जाना करोगे कि पसंद हाँ करती. तो या यार यहाँ चलो कि वहां हाँ, चलो. और एक मेरा एनवायरनमेंट भी थोड़ा ऐसा रहा है कि मतलब कि चिल आउट नहीं, मतलब मुझे उतना पसंद भी नहीं है कि बाहर जाके
गप्पे लड़ाना, मुझे लगता है कि उतना घंटे में मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, शायद नोट्स बन जाता है मेरा। तो देखो बेटा सीखो लोगों, तुम लोग है ना ऐसे टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे याद है मेरे से सब नोट्स मांगने आते थे कि नोट्स दे तो पढ़ ले एग्जाम पास हो जाए, और मैं दे देती, ऐसा नहीं कि चलो मेरा नोट्स है, नहीं ठीक है पास होना है ना सबको होना है, लो हो जाओ। तो मुझे मतलब पसंद नहीं था एक्चुअल में, वैसे भी बहुत लोगों से मिलना जुलना और जाके फिर बातें करना। तो आप इंटरव्यू के लिए जब अलग अलग जगहों पे गए तो कैसा लगा वहां जाके एक्सप्लोर करके घूमना या जो भी? जब दूसरे स्टेट आप जाओगे तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसे पहले पहले जब आप होते हैं ना ऐसे, बेसिकली जो हम लोग होते हैं घर में ही रहते हैं, कॉलेज भी 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उतना नहीं करते हम एक्सप्लोर चीज़ों की, जाना है तो किसी के साथ जाना है, अकेले में एक पेरेंट को भी फियर रहता है, खुद को भी रहता है कि कैसे अकेले ट्रैवल करेंगे, बट अगर आप एक बार दो बार चले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो फियर फैक्टर है वो माइनस हो जाता है लाइफ से, फिर आप खुद ही कहीं भी जाना हो तो चलो यहीं जाना है ना, ऐसा मतलब स्टैंड कर जाते हैं। मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं जा रही थी तो मुझे, मेरा फर्स्ट तो IIT BHU था, मैं पहली बार बनारस ही आई थी, तो उस 1 घंटे का रास्ता था, बट था कि अकेले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं मुंबई भी गई, मैं चंडीगढ़ भी गई, हिमाचल तक गई, वो मतलब तो फिर उसके बाद था ठीक है हो जाएगा, मतलब जहां जा रहे वहां भी इंसान ही तो रहते हैं ना, तो इस तरीके से रहता है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप जाओ मतलब अच्छा है, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, और जब तक अकेले नहीं जाएंगे तब तक नहीं बनेगा। यस, हर जगह आप अपने फैमिली को लेके नहीं जा सकते, तो आपको खुद इतनी हिम्मत करनी पड़ती है कि आप जगह अलग अलग जगहों पे जाओ, वहाँ चीजें एक्सप्लोर करो और बिल्कुल बेडर होके घूमो, क्योंकि क्यों देश तो आपका ही है ना। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूं कि आप जहाँ जहाँ पे गए आपने कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर किया कि हाँ ये यहाँ का लोकल, जैसे आप बोले कि आप मंडी गए है ना, तो मंडी हाँ। गए तो वहाँ लोकल फूड खाया कुछ वहाँ का, सिड्डू और मोमो और बहुत सारे लोकल फूड्स? मैंने मेस में खाना खाया था, वहाँ पे हॉस्टल में थी मैं। अच्छा, तो मेस IIT की मेस में खाना खाया? हाँ जी, और वहाँ के लोकल फूड भी मैंने, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक्चुअली, मैंने उससे ट्रीट मांगी थी क्योंकि उसका स्टाइपेंड स्टार्ट हुआ था MTech के लिए, तो उसने मुझे दी थी। तो हाँ, फूड इज गुड, ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब था, मैंने वही नॉर्मल नूडल्स था, वही नॉर्मल मोमो, बस उसकी साइज थोड़ी बड़ी थी, नॉर्मल वहाँ मोमो की साइज हमारे UP के थोड़ी बड़ी होती है, वहाँ पे एक्चुअली सारे खाने के पराठे भी बहुत बड़े होते हैं, हम नहीं खा पाए थे तो है मतलब। तो वैसे आपको यूजुअली यहाँ पे, आप यूपी में रहते हो, मिर्जापुर में रहते हो, तो आपको खाने में क्या पसंद है? अगर कोई पूछे कि आज मैं तुमको ट्रीट दे रहा हूँ तो आप क्या खाना पसंद करोगे? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मतलब, मेरा ये खाने के लिए मतलब, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, तो ऐसा कुछ बहुत फेवरेट वाला नहीं है। पहले होता था बच्चों के, जब आई वॉज वेरी इमेच्योर टाइप, मैच्योर हो गई है मतलब पहले था, अब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ये बहुत फेवरेट है या बहुत या नहीं है, अब तो मैं जो नहीं भी खाती थी वो भी खाती हूँ, जब जब बाहर जाती हूँ, ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये, तो आप स्ट्रीट फूड लविंग हो, स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हो? हाँ, में बना नहीं, ऐसा नहीं है, खा लूंगी, बट वो जगह भी थोड़ी सी ठीक हो, मतलब मैं थोड़ी सी बहुत चूजी टाइप की हूँ, मतलब हर, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन मैं नहीं खाऊंगी अगर मुझे वो चीजें पसंद, देख के नहीं पसंद। तो पानी पूरी पसंद या मोमोज पसंद? जिस जगह पे पानी पूरी अच्छी मिलेगी वहाँ पानी पूरी खाएंगे, जहाँ मोमोज अच्छा मिलेगा वहाँ मोमोज खाएंगे, मतलब दोनों में चॉइस नहीं है, चूज नहीं कर सकते, दोनों ही प्यारे हैं। और आप अपने बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? फिलहाल तो आप अपने पापा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि कैसा रहा, मतलब आपको पूरी जर्नी में पापा का भी कैसा रहा, कैसा सपोर्ट? पापा वाज वेरी सपोर्टिव एंड यू नो मॉडर्न फादर टाइप, ये नहीं कि बच्चे मतलब डॉटर है तो अकेले नहीं भेजना है या तुम्हें पढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं, उनका तो इवन मुझे डॉक्टर बनाना है ये उनका पहला सपना था, उसके बाद मेरा बना पहला सपना। मैं स्कूल में थी तब भी मेरी मम्मा और पापा और दीदी तीनों लोग बोलते थे कि इसको डॉक्टर बनाना है, एंड इनिशियली आई वांट टू बी कार्डियोलॉजिस्ट,
और इसलिए मैंने मतलब सीपीएमटी का एग्जाम भी दिए, नीट में भी मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी और मैं काफी अच्छा कर पाई थी, लेकिन कुछ मार्क्स से मतलब मैं अगर शायद मैं ओबीसी होती तो मे भी वो हो जाता, लेकिन मैं जनरल हूँ तो मैंने पापा से बोला था उस टाइम पे कि 1 ईयर दे दो मे बी, और मुझे तो उस टाइम पे होता ना कि यू नो नीट की कोचिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, और मेरे फादर ही हैं, उसके बाद दीदी की भी स्टडी थी, मेरी भी स्टडी थी, घर भी था, तो इसलिए वो नहीं उतना प्रेफर किए, और कॉलेजेस पे भी थी, बोला चलो बीएससी करते हैं। इनफैक्ट मेरा, मैं इतना ज्यादा पैशनेट थी डॉक्टर वर्ड को अपना मतलब ये प्रीफिक्स ऐड करने के लिए अपने नाम, यू नो मैंने मेरा नाम कुछ और था, मैंने स्मृति नाम रखवाया बिकॉज डॉक्टर स्मृति वाज सुटेड लाइक अच्छा लग रहा था, क्या नाम था उसका पहले मैं वो जाने दीजिए बता दो तो मैं बहुत पैशनेट थी कि मुझे डॉक्टर लगाना है अपने नाम के आगे और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ये था मेरा। और इवन जब मैंने देखा कि पापा मतलब वो अरे मनी को लेकर मुझे नहीं भेज रहे थे कोचिंग करवाने, और मेरे मिर्जापुर में कोई नीट की कोचिंग नहीं है बाय द वे, ऑफलाइन आई या कुछ भी, उस टाइम ऑनलाइन इतना मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री इसीलिए की बिकॉज माय कोचिंग टीचर सेड बायोकेमिस्ट्री इज द वेरी गुड सब्जेक्ट एंड यू गेट इजीली, यू विल गेट वेरी इजीली जॉब, आराम से तुम बायोकेमिस्ट्री है तुम्हें बायोकेमिस्ट्री की जॉब मिल जाएगी तो तुम्हारे सैलरी बनेगी। मेरा थॉट प्रोसेस था मैं मास्टर्स करूंगी फिर मुझे जॉब मिलेगी फिर मैं नीट की कोचिंग करूंगी और फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, तो उस टाइम में मुझे नेट और गेट और ये सब क्या था मुझे नहीं, आई डोंट आई मीन नो आई हैव एनी शुरू में या ना वेयर करते हैं क्योंकि हमारा सारा सोर्स नहीं होता है ना कि exactly. इतना इंटरनेट सोर्स है ये सारी चीजें उस टाइम पे नहीं था कुछ भी। और जब मैं मास्टर्स किया देन आई रियलाइज कि फिजिक्स तो पीछे ही छूट गया, मतलब 5 ईयर केमिस्ट्री बायो तो पढ़ लिया बट फिजिक्स नहीं पढ़ा था मैंने, फिर मुझे लगा मैं वापस से ए बी सी से फिजिक्स स्टार्ट करूंगी, फिर दैट कोचिंग टीचर सेम सजेस्ट मी कि अब पीछे ना जाओ आगे जाओ पीएचडी कर, हाँ उससे भी डॉक्टर बनते हैं लोग, और मेरे को था कि मुझे बस बनना है कि नहीं लगना है तो मुझे ये टैग चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो अब ठीक है, फिर मैंने सीएसआईआर का प्रिपरेशन किया, वो मैंने सेल्फ किया वो भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने गेट दिया एंड देन फिर इंटरव्यू, फिर अब जाके फाइनली मतलब 4 साल का गैप हो गया बीच में कह सकते हैं, 2020 में मेरा इस फिनिशिंग था मास्टर्स। तो ये जो आप बोल रहे हो वीरेन सर से आप कैसे मतलब कैसे इंटरेक्शन रहा, कैसे आपको पता चला कि ये वीरेन सर यहाँ पे पढ़ाते हैं और ये वहाँ पे मुझे ये गेट का कोचिंग करना चाहिए या जो भी, आपको कैसे पता चला? पहले चीज तो मैं ये मेंशन करूंगी कि मास्टर्स तक मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, तो ये ऑनलाइन और वीरेन सर और ज्योति मैम और यूट्यूब और पेन अकेडमी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मास्टर्स तक मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास छोटा सा कीपैड था उससे कॉल होते थे, टेक्स्ट मैसेज होती थी, कुछ नहीं होता था। एंड मास्टर्स के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की, सेविंग की एंड देन आई मैंने अपने लिए मोबाइल खरीदा, एंड उसके बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड मतलब मेरे मास्टर्स के टाइम पे लोग अन अकेडमी भी बहुत कोचिंग करते थे, मैं ऐसे ही बस इंस्टॉल कर लिया था, कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर सर को जान के किया था, मैंने ऐसे ही इंस्टॉल किया। उस टाइम पे मुझे इतना सीएसआईआर का नहीं कह सकते भूत सवार था कि क्वालिफाई करना किधर से भी हो जाए, हाँ, कैसे भी हो जाए। हाँ, तो उस टाइम पे जितनी जहाँ से जो रिसोर्स मिले वो पढ़ना है, मतलब बहुत ज्यादा था कि मुझे और कुछ करने में दिन भर क्लासेस करती थी, वीरेन सर की वो ज्योति मैम की और भी बहुत से एजुकेटर थे उसमें, आरती मैम थी और भी बहुत से सर मैम थे उसमें, मैं जिसकी मुझे पसंद आती थी मैं कर लेती थी, मतलब बस कर मुझे क्योंकि पढ़ना लॉकडाउन था, कुछ और कहाँ जाएंगे आप, तो आप पढ़ो वही है, तो वहां से वीरेन सर और मैम के बारे में उनकी क्लासेस थोड़ी इंटरेक्टिव होते थे, इनके जो कोट है बीच बीच में जो इनके वन लाइन्स आते हैं तो फन के साथ वो चीज़ें बोरिंग नहीं लगती ना, तो इसलिए फिर मैं यूट्यूब पे भी सर को सर्च किया, फिर उस टाइम पे था कि ठीक है ये दो लोग मिल गए मैम और सर, इनके जितनी क्लासेस है जहाँ भी हैं यूट्यूब पे है चाहे अकेडमी पे है बस ले लो मतलब ये था, तो उस तरीके से मैं सर को जानी और अभी तो सर के साथ ही है मतलब। तो आपको ओवरऑल जर्नी कैसी लगी अपनी, मतलब ये कि आपने सोचा था कि डॉक्टर प्रीफिक्स लगेगा पर वो
MBBS वाला डॉक्टर नहीं कि PhD वाला डॉक्टर, तो कैसा लगा ये सारा चीज? नहीं ऐसा कुछ, वो मतलब था तो मन वही एक्चुअल में, लेकिन फिर जब मैं आई तो उसके बाद मेरे को अभी भी वही था कि मुझे प्रोफेसर लाइन में उतना ही, मुझे साइंटिस्ट लाइन में जाना है। इवन मैं BRC में मुझे क्वेश्चन वो उन्होंने पुट किया कि आप यहाँ मतलब आपने अदर नहीं, तो मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू बी साइंटिस्ट एंड आई नो द BRC द फैक्ट्री That would do scientist. Yes. तो मुझे मैंने तो वो बहुत उसको, क्योंकि मुझे बनना तो वही है, मुझे प्रोफेसर लाइन अगर मिलता है नहीं होता बस तो आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन फर्स्ट थिंग कि ठीक है डॉक्टर नहीं बने तो कुछ सर्च करेंगे, कुछ नया कुछ इन्वेंट करेंगे, और इसलिए तो अब तो यही है कि BRC है तो वहीं जाना है, वहीं साइंटिस्ट बनना है। तो क्या सोचा है, क्या ड्रीमिंग की है कि अगर आप मुंबई जाओगे बार्क में जाओगे क्या होगा कैसा होगा, ऐसा सोच के कोई नर्वसनेस है कोई एक्साइटमेंट है क्या है? नर्वसनेस तो बहुत, जब से मेल आया तब से मेरी हार्ट बीट में भी एलिवेटेड ही रही है, और क्योंकि मतलब लोगों से थोड़ा ना, सब लोग ऐसा बोले कि बहुत प्रेस्टीजियस है, चीजें काफी अच्छी होती हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, बट आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो वहाँ जाके चीज़ों को, तो थोड़ी तो थोड़ी नहीं शायद बहुत ही है मे बी नर्वसनेस, लेकिन हाँ एक तरह से एक्साइटमेंट है कि बहुत कुछ नया सीखना है, बिकॉज मेरा हमेशा से मनना है नए नए टेक्निक्स को सीखना, तो अब टेक्निक जहाँ होंगे वहीं तो सीख पाएंगे ना आप, तो इसीलिए मैं जनरली हर जगह नहीं अप्लाई करती थी, मुझे लगता था कि वहाँ जाएँ जहाँ पर मेरे को टेक्निक्स के बारे में अच्छा नॉलेज मिले, तो इसलिए वही एक्साइटेड हूँ कि मुझे वो सारी चीज सीखने को मिलेगी। अगर आपको बोला जाए कि कोई फन एक्टिविटी करो तो आप क्या करना पसंद करोगे? मतलब अगर आपको यूजुअली कभी मन करता होगा पढ़ाई के बाद बोर हो जाते होगे, कुछ ऐसा लगता है ना कि हाँ बहुत पढ़ लिया यार अब थोड़ा चिल मारते हैं, है ना, तो वो फन एक्टिविटी, वो चिल एक्टिविटी आपकी क्या है? चिल एक्टिविटी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन मुझे को मतलब कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे हैं Okay. तो मैं वो ज्यादा सॉन्ग सुन के चिल लो ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, पापा इज इन कोर्ट, तो मैं अलोन ही रहती हूँ, किसके साथ चिल करूंगी, तो कोई नहीं रहता, तो इसलिए मुझे सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद है। उसके बाद अगर किसी फ्रेंड के पास टाइम है, मतलब जैसे कि मेरे दो चार जो अच्छे फ्रेंड है उनसे थोड़ा बातें करना, बातें इन दैट की उसमें भी मैं वो डिस्कस करती हूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या तुमने क्या सीखा बताओ मुझे, तो ये वाली चीज है, मतलब नई नई चीजों को थोड़ा जानना अच्छा लगता है। इन स्पाइट ऑफ दिस मेरे कजिन्स हैं, मेरे मतलब मेरे मैटरनल अंकल के, उनके साथ मेरा थोड़ा सा अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो लोग रहते हैं तो यार अच्छा लगता है, मतलब वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड, मतलब उनके साथ बातें करना कर लो, चिल हो गया वही कि हाँ, हाँ। कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स लाइक कजिन हो गए उनके बाद उनसे बात कर लिया गप्पे मार ली, चिल हो गया, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है कुछ। टीवी सीरियल्स या फिल्म्स देखना पसंद करते हो? नहीं टीवी सीरियल बस तो बोरिंग, वही सेम रहता है मैम हर जगह, एकदम नहीं पसंद मुझे। और कोई स्पेशल जेनर जिसमें आप मूवी देखना पसंद करते हो? ऐसा कोई नहीं है मुझे, थोड़ी हाँ मुझे थ्रिलर मूवी पसंद है जिसमें सस्पेंस लास्ट मोमेंट तक बने होते हैं, दृश्यम टाइप, हाँ या आई लाइक दैट दृश्यम, तो उस तरह की मूवी, बट ऐसा नहीं है कि रोज मूवी देखना है, साल महीनों में एक दो बार, मतलब वो भी मिल गया कोई साथ में चलो बैठ के देख लिया मोबाइल में, ऐसा नहीं कि हॉल जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इतना कुछ नहीं है कि नहीं टाइम है तो यार देख लिया, नहीं टाइम है तो कुछ नहीं नथिंग, मतलब ये रहता है। तो आप ये क्या कहना चाहोगे कि अगर मिर्जापुर में अगर वो उतने अच्छे एजुकेशन सेंटर्स नहीं है, उतने अच्छे कोचिंग्स नहीं है, तो वहाँ के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? फिलहाल तो मतलब मास्टर्स तक की कोचिंग अवेलेबल है वहाँ पे, अगर वहाँ पे टीचर्स भी हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कॉलेजेस भी हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा हायर स्टडी करना है, मतलब और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो अगर आप जा सकते हो तो ठीक है जाओ, नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग आई थिंक यू विल प्रिफर, बिकॉज वैसे ही एक्सपीरियंस होता है, अगर आप प्रॉपर कंटेंट, मतलब आप शेड्यूल कर लो ना कि लाइव को लाइव ही लेना है, आप ये मत कहो डाउनलोडेड तो है ना, तो वो बैकलॉग बन जाता है, और जैसे कि बर्डन बन जाएगा, हाँ तो जैसे कि फाइनली हम लोग नहीं हीमोग्लोबिन पर पढ़ते कोऑपरेटिविटी, तो वही सेम है कि बैकलॉग अट्रैक्ट बैकलॉग, एक दिन फिर चल कल कर लेंगे, दो दिन फिर चल कल कर लेते, नहीं होता वो, फिर केवल टेंशन देता है और कुछ नहीं देता है, तो लाइव क्लास करो और जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, बिकॉज मजा आता है, मेरे को तो बहुत आता है।
तो इसलिए इवन मुझे पता है जब मैं सर की क्लास में, मतलब सर की तो रिकॉर्डेड क्लास होती थी गेट के टाइम पे, बट उनकी ये डिस्कशन ग्रुप था ना गेट के होता था, सर एक टाइमली देते थे, वीकेंड पे होता था, और मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे डायरी में नोटेड, और मेरे इतने क्वेश्चन होते थे, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे कितने लोगों ने उस ग्रुप में मैसेज किया आपके पास कितने क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने मेरे को कम जाओ मैं भी पूछने दो फिर तुम ही मत पूछो। हाँ मेरे को इवन जो ये मैंने बताया सोनल का नाम, ये सारे मुझे मुझसे इसलिए कॉन्टेक्ट किया कि लड़की के पास कितने क्वेश्चन होते हैं, तो वो लोग मुझसे डाउट पूछने गए। इवन कभी कभी होता था कि स्मृति ने ये क्वेश्चन पूछा होगा तो हम नहीं पूछने, वो तो पूछी ही होगी, वही पूछ लेगी, हम सुन लेंगे, है ना, वो सारे क्वेश्चन इकट्ठा की होगी, वही पूछेगी, हम तो सुन लेंगे। हाँ ऐसे ही होते थे, मेरे को टेक्स्ट आया है मैम कि कितने क्वेश्चन है आपके पास, और कभी कभी मुझे मैं मतलब लगता था कि शायद सच में मैं ज्यादा, कभी मैं खुद हेजिटेट हो जाती थी कि अरे सब नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे होगा, मतलब मुझे जानना है कैसे हुआ ये चीज, तो इसलिए तो आपके पास इतने हैं पूछो सर, मतलब बता देते हैं, डांटे वाटेंगे थोड़ा बहुत बट बता देंगे लास्ट मोमेंट। चलिए स्मृति आप ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी चीजें जान करके, और आपका आपका लाइफ दूसरे लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल बन के आएगा कि हाँ कैसे लोग मतलब बहुत सारे फन एक्टिविटी को साइड रख के अपने लाइफ में अपने गोल को फोकस करते हैं, कैसे फ्रेंड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी चीजें आप इनकी लाइफ से देख सकते हो। और थैंक यू फॉर दिस फन सेशन।